हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे जो क्लास 10th का साइंस का नंबर मतलब बाकी रह गया था कुछ दिनों से, मतलब बहुत दिन हो गए वो बन नहीं पा रहे थे। तो आज ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो क्लास 10th का मॉक टेस्ट हुआ था, ठीक है? तो डिटेल में देखते हैं किसका कितना नंबर आया है। कॉपी तो बहुत दिन हो गया चेक हुए, लेकिन नंबर आप लोगों के इंतज़ार है कि हमारा मतलब किसका किसका साइंस में कैसा नंबर आया है। तो वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, कॉपियों के देखेंगे किसका कैसा नंबर है। तो लोवेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को इंतज़ार करना है अपनी कॉपी के बारे में। तो चलिए हम लोग साइंस की कॉपी देखते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फर्स्ट क्या कहें, मतलब लोवेस्ट नंबर से, जैसा कि हमने बोला था, तो लोवेस्ट नंबर से सबसे पहले किसका नाम आएगा, सभी को पता है, अब्दुल समद का है, ठीक है? इनका 16 17 में से है, ठीक है, 70 में से, सॉरी 16 नंबर, तो इतना नंबर इनको मिला गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है मोहम्मद साजिद, जो कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तभी तो इतना नंबर आया, 70 में से 17 नंबर, ठीक है, फेल हो गए हैं ये भी। शिवम शुक्ला है, जो कि इनका भी 17 मार्क्स है, ठीक है, ये भी फेल है। कॉपी क्या दिखाएं जब फेल है। तो राजीव कुमार यादव, ठीक है, इनका भी मतलब काफ़ी हद तक ठीक किया, 21 नंबर तो पा लिए, लेकिन क्या 2 नंबर से फेल है ये भी। तो राजीव कुमार यादव का नंबर है 21, ठीक है, पूरा 70 में से है। अब यहाँ पर है नितिन सिंह, ठीक है, इनका है 32, तो पास हो गए, अच्छा है। जब एग्ज़ाम होगा, मतलब आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ाई तो हो गई है ना, बस रिवीजन करना है। अमित साहू का यहाँ पर नेक्स्ट है, ठीक है, इनका 33 मार्क्स है, तो अच्छा है, बस खुशी नहीं होना है, ये आपका ओरिजिनल रिजल्ट नहीं है, मॉक टेस्ट था। तो करना क्या है, जो कुछ पढ़े बस कुछ 2-4 दिन के गैप पे क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि एग्ज़ाम का अगर डेट आ जाएगा तो प्रॉब्लम ना हो किसी को, ठीक है। रवि कुमार यादव यहाँ पर है, 35 मार्क्स है यहाँ पर इनका, रवि कुमार यादव का अच्छा नंबर है इनका भी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर मोहम्मद मुनाफ है, ठीक है, इनका है 36 नंबर, इनकी राइटिंग भी अच्छी थी, तो इस बार क्या किए हैं, राइटिंग पर मार्क्स देना भूल गए हैं, वैसे भी किसी को नहीं दिए हैं, ठीक है, 36 नंबर है। यहाँ पर है शनि कुमार, इनका भी क्या है, 36 नंबर, अच्छा किए हैं। करना क्या है, आप लोगों को बस रिवीजन थोड़ा थोड़ी देर पे, थोड़ी थोड़ी दिन पे, मतलब 2-4 दिन की गैपिंग में हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहना है, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पर है विशाल चौरसिया, ठीक है, 70 में से 38 नंबर इनको मिला है, थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, इनको राइटिंग सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हरिशंकर, हरिशंकर का नंबर है 39, 39 नंबर इनका है, ठीक है, अच्छा है, राइटिंग को सुधारना है। यहाँ पर है हमजा अंसारी, इनका है 14 नहीं है, 40 नंबर है, ठीक है, 70 में से 40 नंबर इनको मिले हैं। यहाँ पर है अब्दुल राजिक, इनको 41 मार्क्स मिला है, ठीक है, तो इनको इनको भी क्या करना है, पढ़ाई अच्छे से करना है, सभी को बस रिवीजन करना है। यहाँ पर है उमेश, तो 42 नंबर उमेश का है, ठीक है, हिंदी में इनकी कॉपी क्या हो गई थी, नहीं मिल रही थी ना, तो उमेश का हिंदी में 44 नंबर था, तो कॉपी इधर उधर हो गई थी, मिक्स हो गई थी इसीलिए, लेकिन उनका नंबर 44 था, ठीक है, इसलिए नहीं दिखा पाए थे। तो उमेश का साइंस में क्या है, 42 नंबर है। राजेश पटेल है, इनका है 43 मार्क्स है, ठीक है, साइंस में, तो आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ाई करते रहना है, ताकि अच्छा नंबर आए अगर एग्ज़ाम जैसा भी होगा। यहाँ पर है राहुल चौरसिया, इनका 45 नंबर है, ठीक है, ये जो ऑप्शन इस तरीके से लिख देते हैं, 4-3 उतार देंगे, फिर एक सही करेंगे, दूसरा कट, इस तरीके से ना, तो इस तरीके से ऑप्शन नहीं करना है, आप लोगों को लिखना कैसे है, जैसे ये राजेश ने लिखा है, जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस करना है ऑप्शन नंबर जो सही है उसका नंबर इस तरीके से लिखना है, डायरेक्टली जो आप ऑप्शन दे रहे हैं वही ऑप्शन क्या कर दीजिए, लिख दीजिए इस तरीके से, टिक विक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बच्चे नहीं हैं, बस जो डायरेक्ट जो नंबर सही है वो नंबर का, जैसे उत्तर का 4th सही था, तो इस तरीके से लिख के डायरेक्ट पूरा आंसर लिखना होता है, ठीक है, ऐसे करिए ना कि इस तरीके से बॉक्स वगैरह बना के अपना टाइम ना ख़राब करिए, तो इस तरीके से नहीं लिखना, यहाँ तो चेक हो गई, कोई बात नहीं, टाइम किसका ख़राब जाता है, आप ही का जाता है, तो टाइम को बचाना है और अच्छे से कॉपी लिखना है, ठीक है। तो राहुल चौरसिक 45 था। यहाँ पर है मोहम्मद तौहीद, इनका है 46 नंबर, ठीक है,
इन्होंने अभी क्या किया, ऑप्शन पूरा लिख के तब टिक किया है ना। तो इस तरीके से नहीं करना, जो राइट आंसर है वही लिखिए, वही ऑप्शन डालिए जो आपका सही आंसर है, ठीक है। तौहीद का है 46, यहाँ पर है प्रकाश कुमार, इनका है 47 नंबर, और हैं अयान अंसारी हैं, इनका है 52 नंबर, ठीक है। काफ़ी हद तक अच्छा किया था। और यहाँ पर है निखिल सागर, 53 नंबर है निखिल सागर का। और नेक्स्ट यहाँ पर है प्रदीप प्रजापति, 58 नंबर है, ठीक है। इन्होंने भी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। यहाँ पर है जो लास्ट लास्ट नहीं जो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो 62 इनको मिला, सज्जाद अहमद को 62 मिला है फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पर है प्रदीप प्रजापति जो को जिनको 58 मिला है। थर्ड पर है निखिल सागर, ठीक है, जिनको 53 मार्क्स मिला है। तो इस तरीके से आज हमने बता दिया सारा नंबर, जिस जो साइंस का नंबर का सभी को इंतज़ार था, तो वो अपना अपना नंबर देख लें। करना क्या है आपको, सारे मतलब जितना भी पढ़ा है सिर्फ दो चार दिन के गैपिंग दे दे के क्या करना है आपको, रिवीजन करते रहना। अगर रिवीजन नहीं करेंगे आप क्या कर जाएंगे, पूरा भूल जाएंगे ना। तो भूलना नहीं है, अभी जब तक डेट नहीं आ जाता कैसे क्या होगा वो तो सभी जानेंगे। तो आपको क्या करना है, बस रिवीजन करना है हर एक सब्जेक्ट का, और इसी तरीके से अपनी अपना मार्क्स अच्छा लाना है, ठीक है। तो कैसा लगा, थैंक यू।